कुछ फिल्मी कलाकार ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपनी अदाकारी का जौहर अपने प्रोडक्शन की फिल्मों में ही दिखाना पसंद करते हैं। ऐसे ही एक एक्टर और निर्माता है परवेश लाल यादव। कहने को तो परवेश भोजपुरी फिल्मों के सबसे बड़े सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के भाई हैं। लेकिन बावजूद इसके वो पर्दे पर कम ही नजर आते हैं, मगर अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म में एक बार फिर से परवेश पर्दे पर छा जाने को तैयार है। परवेश लाल यादव अपनी होम प्रोडक्शन निरहुआ एंटरटेनमेंट की फिल्म राम लखन से पर्दे पर जोरदार वापसी करने जा रहे हैं। युवा स्टार परवेश लाल यादव की अंतिम रिलीज फिल्म टाइगर थी, जो कम से कम 3 साल पहले रिलीज हुई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परवेश बतौर एक्टर कितनी कम फिल्में करते हैं। वैसे फिल्म राम लखन दो भाइयों की कहानी है, जिसमें राम है निरहुआ, तो वहीं लखन की भूमिका में परवेश अपने भाई के साथ एक्टिंग करते नजर आएंगे। फिल्म में परवेश की नायिका सुभि शर्मा है। फिल्म के बारे में परवेश कहते हैं कि फिल्म राम लखन एक संपूर्ण पारिवारिक और मनोरंजक फिल्म है। फिल्म में परवेश ने एक्टिंग करने के साथ साथ कई गानों पर जमकर डांस भी किया है। चेहरे से बेहद गंभीर नजर आने वाले परवेश फिल्म के कई सीन्स में कॉमेडी करते हुए भी नजर आएंगे। फिल्म में परवेश ने अपने भाई के साथ मिलकर बहुत ही शानदार तरीके से एक्शन सीन भी किए हैं। इस फिल्म का निर्देशन सतीश जैन ने किया है। जल्दी भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी यह फिल्म कितनी सफल साबित होती है। न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।